Hi Dost, my name is Arj. You are watching Arj's video. My YouTube channel name is Arj, it's a brand. You can subscribe it, you can share it and you can like it. दोस्तों आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ आपके साथ जो कि है विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन, व्हाट इज विजुअलाइजेशन, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इन विजुअलाइजेशन एंड हाउ वर्क्स इन विजुअलाइजेशन. ये तीन क्वेश्चन का मैं आज आपको आंसर देने जा रहा हूँ. लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, तभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ आपको पता चलेगी. तो स्टार्ट करता हूँ कि मेरा विजुअलाइजेशन टॉपिक. तो विजुअलाइजेशन क्या होता है कि आपको जो ड्रीम चाहिए, सबके लिए ड्रीम होता है, तो ड्रीम अपना विजुअलाइज करना है. मतलब कि मेरा खुद का एग्जांपल है, मैं कॉलेज पे था तो कॉलेज के लिए मेरे को बाइक नहीं थी, मेरे पास साइकिल थी, लेकिन सब जगह दोस्तों के पास बाइक थी. तो मैं क्या कर रहा था, जब रोड पे जाता था, रोड से साइकिल चला था, मैं क्या कर रहा था, गॉगल लगा के पूरा, मैं एक गॉगल लगा के जब कैसे स्टाइल मारते हैं बाइक पे सब लोग, वैसा स्टाइल मारता था. मुझे लगता था वो भाई बाइक ही चला रहा हूँ, तो साइकिल भी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा विजुअलाइज करता था मैं बाइक चला रहा हूँ, मतलब विजुअलाइज कर दिया. बाद में क्या कर दिया, मैं शोरूम में गया, उधर कोटेशन निकाला, मेरा बाइक चाहिए, वो 60,000 का बाइक शाइन का मैंने कोटेशन निकाला और मुझे शाइन बहुत पसंद थी, शाइन अपना. तो क्या कर दिया मैंने, विजुअलाइजेशन करने के लिए कोटेशन निकाला, फ़ोटो भी लेके आया, कोटेशन भी लेके आया. मेरे घर में आने के बाद मैंने वो वॉल पे चिपकाया, दीवार पे चिपकाया फ़ोटो, उसका प्राइस लिखा, डिटेल्स लिखा और कौन सा डेट में लेने वाला, वो भी डेट 6 महीने का बाद डेट लिखा था मैंने. तो मेरे पास पैसे नहीं थे अभी तक. तब क्या किया मैं, विजुअलाइजेशन तो करना चाहिए आपको, विजुअलाइजेशन के लिए पैसा नहीं मिलता, तो विजुअलाइजेशन तो किया मैंने. तो हर जो विजुअलाइजेशन करने समय सेकंड दिन उठा, मेरे जो ड्रीम जो दिमाग में चलता था, मेरे को बाइक परचेस करना है, बाइक परचेस करना है, बाइक परचेस करना है, ऐसा दिमाग में घूम गया था मेरा. जब जब साइकिल चला रहा था मुझे लग रहा था बाइक चला रहा हूँ, जब क्रॉस करता था तो रोड पे शाइन ही दिख रहा था, शाइन सब बाइक नज़र, मुझे दिमाग भी नहीं था. लेकिन जब तक दिमाग में नहीं था तो अरे शाइन, ये मेरी शाइन है, दिखाई दे रही, ऐसा रिमाइंड होता था. तो मुझे फिर से मुझे पॉजिटिव आता था मेरे दिमाग में, मुझे बाइक लेना है, ऐसा विजुअलाइजेशन कर दिया था. घर वालों तो परेशान हो गए, ऐसा कुछ दीवार पे पिक्चर फोटो बाइक का चिपकाने से कोई आता है क्या ड्रीम, ऐसा है कि तेरे पास, ऐसा बोल रहे थे. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विजुअलाइजेशन का इतना पावर है दोस्तों, कि 6 महीने के बाद मेरा बाइक मैंने खुद का ले लिया था, पैसा लिया था मुझे पता नहीं, लेकिन आपको विजुअलाइजेशन किया था मैंने 6 महीने पहले. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विजुअलाइजेशन पैसे के बिना, मतलब कि ड्रीम पैसे के बिना पूरा नहीं हो सकता. तो विजुअलाइजेशन कर दिया, वर्बलाइजेशन भी कर दिया, सब दोस्तों को मैंने बोल दिया था 6 महीने के बाद ये डेट पे मैं ये बाइक लेने वाला हूँ, फैमिली को बोल दिया, इधर उधर सब जगह पे बोल दिया मैंने बाइक लेना है मुझे. तो विजुअलाइजेशन कर दिया, वर्बलाइजेशन कर दिया, लेकिन लेकिन एक्शन प्लस प्लानिंग तो होना चाहिए. तो क्या कर दिया एक्शन, मतलब कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन किया, पैसा कमाया, मतलब प्लानिंग कर दिया ना, एक्शन मतलब कि पैसा जमा करने का जुगाड़ कर दिया. तो 6 महीने के बाद मेरा बाइक खुद का मैंने परचेस कर लिया था, जो कि मेरे को लेना था शाइन बाइक. लेकिन जब पैसा पूरा मिला मुझे तो मैं घर में बताया कि बोला मैं शाइन जेल लेने जा रहा हूँ. तो घर वाले बोले कि तेरे को, तू इतना छोटा है, मतलब कि बॉडी से छोटा है, तो शाइन तो तेरे को जमेगी नहीं, तो स्प्लेंडर ले. लेकिन मेरे को शाइन था, चाहिए था. लेकिन क्या किया, मेरे को तो पता नहीं था, मेरे को बाइक चाहिए था, कौन से भी परिस्थिति में बाइक मुझे परचेस करना ही था, क्योंकि मैंने सबको वर्बलाइजेशन कर दिया था. मेरे को पता है इस ड्रेस पे नहीं लिया तो मेरा विजुअलाइजेशन का और वर्बलाइजेशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. तो मैंने फिर फैमिली घर वालों के लिए कौन सा बाइक लिया, मैंने स्प्लेंडर प्रो लिया. लेकिन मेरे पास बाइक तब 6 महीने के बाद था.